पश्चात की ओर से प्रस्तुत स्पार्कल 23 के उपलक्ष्य में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री कपिल ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो कि इस महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं 2007 में मिस्टर राजीव गांका, तथा यूथ के प्रवक्ता गुलशन जी, ईशान जी, बाहर से आए तमाम कलाकार, इस महाविद्यालय के आज के इस सेशन के प्रधान मिस्टर आनंद तथा उनके साथ अन्य परिषद के सदस्य, डीएवी महाविद्यालय का मेरा कर्मचारी वर्ग तथा इस कार्यक्रम को जनता के बीच में पहुंचाने वाले हमारे ही विद्यार्थी जो इसी संस्था से पढ़कर गए हैं, भरत भूषण जी, विभिन्न अभिभावक वर्ग तथा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं डीएवी परिवार की तरफ से आज के मुख्य अतिथि तथा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा अन्य उनके साथ आए तमाम लोगों का डीएवी परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की को उन्होंने सुशोभित किया, चार चांद लगाए। डीएवी परिवार इस बात का ऋणी रहेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर संस्था के तरफ से डीएवी महाविद्यालय की खासकर जो कार्यकारिणी है, छात्र परिषद है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। किन शब्दों से उनका धन्यवाद करूं या कितना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया, ये मेरे लिए मेरे इस 30-35 साल के समय अगर मैं ये कहूं, राजीव गांका थोड़ा नाराज होंगे, कार्यक्रम इन्होंने भी 2007 में अपनी अध्यक्षता में बहुत अच्छा किया था, परंतु जो संसाधन राजीव गांका जी के पास थे और जो संसाधन आज इन बच्चों के पास है उसमें बहुत कमी है। मुझे याद है इन्होंने जो ऑर्केस्ट्रा वाले बनाए थे उसको इन्होंने 35-40 हजार रुपए दिया था शायद, और अन्य कार्यक्रम में इन्होंने कितना वो किया था मैं समझता हूं, परंतु जितने सीमित साधनों के साथ इन लोगों ने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया, और सबसे बड़ी बात हमारी संस्था की तरफ से, कॉलेज की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई मार्गदर्शन भी नहीं था। जो कुछ भी यहां पर प्रस्तुत किया गया इसका सारा का सारा श्रेय इन बच्चों को जाता है, इसलिए मैं लड़ाई के बात है। मुझे स्वयं कल मैं यहां संस्था में नहीं था, मुझे स्वयं बड़ी चिंता थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पर मुझे मालूम था कि गांता जी और कपिल जी आ रहे हैं, वो मेरी उन कमियों को छोड़ देंगे मेरे पास, उसका बुरा नहीं मानेंगे, मुझे इस बात का विश्वास था, क्योंकि मैं कपिल जी जिस तरह से कहते हैं कि ये मैं इस डीएवी परिवार से जुड़ा हूं, डीएवी परिवार से मैं पढ़ा हूं, तो राजीव गांका का तो मुझे पूरा विश्वास है। हाँ राजीव, इतना जरूर कहूंगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं भी उसी तरह है, आप भी वैसे ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है जब भी आप मुझे मिलते हैं कि अभी फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आता है तो मुझे कहता है सर आप नहीं बदले, तो मैं कहता हूं तू ही बदला यार, दोस्त आप भी वैसे ही, और मेरी उम्मीद है आने वाले समय में भी आप
ऐसे ही मैं मेरी भगवान से भी प्रार्थना है। छोटा सा संस्था है, कोशिश हमारी इसको बड़ा बनाने की है। ये बड़ा तभी बनेगा कपिल जी जब आप लोगों का आशीर्वाद संस्था में रहेगा। मैं आपको बैठ के भी बात कर रहा था, मैं ये नहीं कहता कि संस्था में कमियां नहीं, बहुत आपने सुझाव दिया, आपका